इस पर्व दिन पर आप सबको बधाई देता हूं। कुछ कहने से पहले मैं एक दो नारे लगाऊंगा, आप जोर से जवाब दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, जो इस प्रोग्राम के सदर हैं, दीगर स्टाफ मेंबरान, गिर्द नवा से आए हुए उसातिज़ा कराम और बच्चों बच्चियों, जो भी बुजुर्ग नौजवान इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं उनको दिली तौर से खुशामदीद कहता हूँ। ये दिन 15 अगस्त का आप तो जानते हैं कि जब से रहा है, भारत ही नहीं बल्कि भारतीय लोग जो दूसरे ममालिक में रहते हैं वहाँ पर भी हमारा तिरंगा जो होता है वो ऊँचा होता है, तिरंगा जो है लहराया जाता है। इस दिन पर मैं आप सबको थोड़ी देर के लिए, अगर सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 5 मिनट ही बोलूंगा, लेकिन मुझे बोलने का मौका दिया जाए और आप जरूर सुने। ये मेरा पहला स्पीच होगा जब मैं मेहमान बन के हायर सेकेंडरी स्कूल सेनापति में आज आया हूँ, तो आप सभी थोड़ी देर सुनेंगे, क्योंकि मेरे बड़े इमोशंस और बड़े अरमान इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं अपने इमोशंस और अरमानों को आज आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल की आन बान और शान हमारे प्रिंसिपल सर को मैं सैल्यूट करता हूं। जब मैं ये लाइट्स वगैरह देख रहा हूं कि मेरी एब्सेंस में ये इतना सुनहरा काम सर ने किया है, तो इसके लिए ये श्रेय हमारे प्रिंसिपल सर को जाता है। इसके लिए आप जोरदार ताड़ियों से प्रिंसिपल सर का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच हमारे नंबरदार हैं और बाकी सारे मेहमान हैं, मैं इन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं पेश करता हूं। साथियों, मेरे पास तो आज कुछ अल्फाज निकल नहीं रहे, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि जब मैं कल रात को जब मैं श्रीनगर से इधर आ रहा था, तो मेरे मन में ये था कि यार अब मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा तो कैसे चल रहा होगा ये इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये लॉ ऑफ नेचर है कि ये अदारे हमेशा चलते आए हैं और चलते रहेंगे। और सबसे पहले मैं अपने हायर सेकेंडरी स्कूल सेनापति के बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, और जिनकी वजह से आज मैं इस इंस्टीट्यूशन को छोड़कर किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ। ये सब श्रेय आप बच्चों को जाता है जो आपने मुझे प्यार दिया है, जो आपकी दुआएं मुझे काम आई हैं। तो ये सारा श्रेय हायर सेकेंडरी स्कूल सेनापति के बच्चों के लिए, जोरदार ताड़ियां। आज अफसोस तो बड़ा हो रहा है कि मौसम बहुत खराब है, इतने सारे फंक्शंस थे, इतने सारे प्रोग्राम्स थे जो हमने करवाने थे आज, लेकिन एनी हाउ जो भी है, अब ऊपर वाले की ये मेहर है कि उन्होंने क्या करना था, कैसे करवाने थे। आप सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे, प्लीज जितने भी लोग हैं अपनी अपनी जगहों पर सारे कुछ सेकंड्स के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं यही कह रहा हूं कि कुछ सेकंड्स के लिए आप सभी ने खड़े होना है, अपने अपने चेयर्स से भी और अपनी अपनी जगहों से भी खड़े होना है। मैं अपने प्रिंसिपल सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सेकंड्स के लिए सारे खड़े हो जाएं।
अब मुझे लगता है सारे खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। अब जो मैं बोलूं वो मानोगे? सबसे पहले आपने मेरे स्वर्गीय फादर सुरजन सिंह, जिन्होंने ये भूमि दान करी थी, उनका फल मैं यहाँ पे सामने हूँ। वो मेरे पापा आज मेरे बीच नहीं है, लेकिन आप उनके लिए जरूर एक बार 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके उन मौन रखेंगे कि उनको बोलेंगे कि भाई उनकी जहां पे भी आत्मा को शांति मिले। प्लीज 30 सेकंड के लिए मैं भी करूंगा। द पैनलिस्ट टू जज द कंटेस्टेंट्स, नंबर सेकंड विल बी मिस्टर निर्मल सिंह फ्रॉम यूपीएस चुनथान। मिस्टर निर्मल सिंह फ्रॉम यूपीएस चुनथान, तालियां जज के लिए, कमॉन गाइस। एंड द थर्ड वन विल बी मिस्टर फारूक अहमद लोन फ्रॉम एमएस गुजरारा, तालियां इनके लिए भी, तालियां बजती रहनी चाहिए पैनलिस्ट के लिए गाइस। Then the third one, Mr. Riyaz Ahmed from HS Paristan, clapping. Fifth one is Mr. Kuljeet Singh, the principal of Sarva Public School, clapping. And the last but not the least, our young and dynamic teacher of HSS Sinabati, Mr. Joginder Singh. Now with this, we would like to move on the Izzat e Bhaat, Chief Guest Sahab, Principal Sahab, Osatisaya Kanam, Sarpanch Saiban, Mere Pyare Bhaiyo Behno, Mera Naam Akhwada Banu, Jamaat Yazi Aapke Samne Khade Hokar 15 August 1947 Ke Bare Mein Kuch Khayalat Ka Izhar Karna Chahti Hu. वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे ये यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, कि चश्मा यहीं से निकलेगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। सदर जी वकार काबिले किया था। अगर बहादुर शाह जफर की बात
जिगर चाहिए, चीते का जिगर चाहिए, शाहीन का तजस्सुस, चीते का जिगर चाहिए, शाहीन का तजस्सुस, दुनिया नहीं कम मर्दाने जफाकश के लिए, दुनिया नहीं कम मर्दाने जफाकश के लिए। तो हमें जिनाबे सदर, प्रिंसिपल साहब, दीगर उसातज़ा हुए इकराम और दूर से आए हुए मेहमान, हजरात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने यौम आज़ादी के बारे में चंद अल्फाज बताना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनोगे। सबसे पहले मैं अपने स्पेस शक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे इधर पर बुलाया। सामिन इज़ाम, यौम आज़ादी ये वो दिन है जिससे हमें अंग्रेज़ों की चुंगल से आज़ादी मिली, उनके भंवर उनके गुलामी से निकलने का मौका मिला और हम इज्जत व आफियत के साहिल तक पहुँचे। इसी खुशी का जश्न आज हम सब मना रहे हैं। हजरत, ये दिन याद दिलाता है उन शहीदों की शहादत को, उन वीरों की कुर्बानियों को जिनको सलामी देने और खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, आज हिंदुस्तान के चीपे चीपे में, आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इंसानी काफलों का हुजूम आया है। पूरा हिंदुस्तान इनकी रूहों का शुक्रिया अदा कर रहा है और ये दिन बताता है हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस जन्नत निशान चमस्तान हिंदुस्तान को अपना लहू बनाकर सींचा। एक तरफ से सुराजुद्दौला, शाह वली अब्दुल्ला, शाह अब्दुल अजीज, टीपू सुल्तान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपनी जान की परवाह के बगैर अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे, तो दूसरी तरफ से महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झांसी रानी अपने हाथों में कफन लिए खड़े थे। सब मिलकर कह रहे थे कि खिलौना समझ के बर्बाद न करना, कि खिलौना समझ के बर्बाद न करना। मिटोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये आज़ादी हम हिंदुस्तानियों को इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर लातादा लोगों की जायदादें भी जब्त कर ली, तब जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई। इसीलिए 15 अगस्त 1947 हमारे लिए बहुत अहम है। इस दिन हमारे मुल्क से अंग्रेज़ों का राज खत्म हुआ था, हमने कम से कम 200 साल के बाद जदोजहद आज़ादी हासिल की। इसीलिए आज इस मौके पर और आने वाले जिंदगी के लम्हात में हमें इस शहीदान वतन को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर इनके कुर्बानियाँ न होती तो आज हमारा मुल्क आज़ाद न होता, आज हमारा देश आज़ाद न होता, आज हमारा वतन आज़ाद न होता। ये वही बहादुर थे जिनके लिए शायर ने कहा था, मिट गए पन्ना मिटने थी वतन की आबरू, मिट गए पन्ना मिटने थी वतन की आबरू, इन शहीदाने वतन को बारहा मेरा सलाम। उजड़े आम बेवतनी या पामे
Independence Day! As a gathered here to celebrate
1980 में एक पार्टी तश्कील दी गई जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और अंग्रेजी लोगों पर हमला कर दिया और इनको जख्मी कर दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह की तहरीक जारी की लेकिन लोग ब्राह्मण ना रह सके, तमाम मुल्क में हलचल मच गई। कई बड़े शहरों में पर मैं जलिया वाला बाग में खूनी हादसा रवानवा हुआ जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए और 3000 लोग जख्मी हो गए। इस हादसे से पूरे मुल्क में आग लग गई और आत्मतावन की तहरीक शुरू हो गई। तमाम विदेशी चीजों का बायकॉट किया गया, सरकारी मुलाजमतों का बायकॉट किया गया, स्कूलों और कॉलेजों का बायकॉट किया गया। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। साथियों, जब सुखदेव को फांसी आने वाली थी तब सुखदेव की मां ने कहा था कि बेटा इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है, आपकी उम्र अभी खेलने कूदने की है। तब सुखदेव हंसकर बोला, ऐ मां आप मुझे जाने दो, मेरे मरने के बाद हजारों सुखदेव पैदा होंगे और इनकलाब लाएंगे। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ जाओ का नारा मस्ताना बुलंद किया। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भी हिंदुस्तान छोड़ जाओ का कर भेस बदलकर हिंदुस्तानी सिपाहियों की फौज तैयार की और अंग्रेजी फौज के साथ डट कर लड़ाई थी और इनको कमजोर कर दिया। मुंबई से लेकर कराची के बंदरगाहों तक अपना कब्जा कर लिया। सुभाष चंद्र बोस की यह खबर सुनते ही देश के हर घर पर आजादी का तिरंगा लहराने लगा और तकरीब के इज्जत माप सदर अली वकार काबिले एहतराम मेहमान खसूसी सदर मदारिस तमाम जी सलायत असातिज़ा इकराम कद्र शिनाश सरप्रेस हजरत और मेरे हर दिल अजीज भाई और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको दिल की अमीर तरीन गहराइयों से यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। चमन अपना वतन अपना जमीन आसमां अपना, चमन अपना वतन अपना जमीन आसमां अपना, जहाँ मैं सबसे प्यारा हिंदुस्तान अपना। माजी सामीन आज हम सब यहाँ यौम आजादी मनाने के लिए एकजुट हुए। आजादी से कबल हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और अंग्रेजी हुक्मरानों पर भारतों पर जुलम व सितम के पहाड़ गिराते थे, लेकिन हमने भी हिम्मत व हौसलों से काम किया। We got independence with the
के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक दिन आसमान बनाएंगे। Now with this, I will move on the next contestant from Sarva Public School, Mr. Pankaj Singh. Welcome, Jinaab Chief ke saath, hamara Peace Patel Aziz Basti, Digar Ustad Ustad Zaikrat, sabse pehle meri taraf se, aap sabhi nazreen ko, Mulk Hindustan, 78 yu mazati ki, bahut bahut mubarakbad. Ye, wahi azadi ka din hai, jisko hasil karne ke liye, hamare Aziz Rehman ne bahut si mushkilat aur मसलों का सामना किया है। यह वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे अपने कुर्बानियों को पेश किया है। यह वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। मेरे प्यारे साथियों, यह वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे ईशा पाक उठाने फांसी के फंदे को चूम लिया था। सामने आज 78वीं यूमे आजादी की मुबारकबाद पर एक गजल पेश करना चाहता हूं। देश मेरो जो हिंदुस्तान है उच्चो इसको शान है, देश मेरो जो हिंदुस्तान है उच्चो इसको शान है, सदका जाऊं देश अपना गया करूं निछावर जान रे, करूं निछावर जान रे सदका जाऊं देश अपना गया करूं निछावर जान रे। जुलम कियो जद अंग्रेजानी, जुलम कियो जद अंग्रेजानी लगा दुख पुछान रे, जुलम कियो जद अंग्रेजानी लगा दुख पुछान रे, कुम सारी जद खड़ी होई नस गया शैतान रे, कुम सारी जद खड़ी होई नस गया शैतान रे। मर मिट जाऊं इस देश की खातर, मर मिट गया इस देश की खातर वे दिलेर जवान रे, मर मिट गया इस देश की खातर वे दिलेर जवान रे, शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर इशफाकुल्ला खान रे, शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर इशफाकुल्ला खान रे, मुल्क की खातर जान अपनी को दे गया बलिदान रे, मुल्क की खातर दे गया अपनी जान को बलिदान रे, मुल्क की खातर दे गया अपनी जान का बलिदान रे, जलियाना आला बाग मा शहीद होया लू लुहान रे, जलियाना आला बाग मा शहीद होया लू लुहान रे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब इंसान रे, हिंदू आजादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं फरहत जी फिफ्थ क्लास की तालिबे इल्म हूँ। मुझे आज आपके सामने जिस मौजू पर लफ्जशाही का मौका मिला है वो है 15 अगस्त यानी यौम आजादी। ए वतन किसे नहीं आहदे वफा करते हैं, ए वतन हम किसे नहीं आहदे वफा करते हैं, वही क्या चीज है हम तो जान फिदा कर सकते हैं, चमन अपना वतन अपना जमीन आसमान अपना
माता की, भारत माता की। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और इस सब शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हेलो, आप बैठो बैठो, आराम से बैठो। बड़ा उत्साहित हुआ क्योंकि अंडर दी सर्कमस्टेंसेस बारिश होने की वजह से भी आप सारे, आपका उत्साह और जोश देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पधारे हमारे यहाँ और इसमें चार चांद लगाए हमारे इस उत्सव पर। अहम भूमिका देनी है इसके बारे में। हेलो, और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आपसे, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे जो है हमारा भविष्य है। आप सभी बच्चों को मैं कहता हूं, आप इस देश के भविष्य हैं और आपको हमेशा ये याद रखना है और अपना काम और अपना कर्म करते रहना है और इस देश की तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभानी है। अब मैं बच्चों के लिए कुछ पंक्तियां पेश करता हूं। मधुबन जो है वो क्या हमें देता है? खुशबू देता है। सागर क्या देता है हमें? सावन देता है। और इसका मतलब है जीना, उसी को कहते हैं जो औरों को जीना दे, ठीक है ना। अब आगे मैं बताऊं, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। अगर आप सूरज नहीं बन पाए लेकिन दीपक बन के भी आप अपना जो अपनी जो रोशनी है लोगों को दिखा सके, ठीक है ना। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल ले अंगारे सच की राहों पे चलता चल। यानी कि अगर फूल मिले या अंगारे नहीं मिले, यानी कि जो भी परिस्थितियां है दिलों को देता है, अश्कों को दमन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जो औरों का जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है। जैसे हम देखते हैं ये पेड़ है, पेड़ जब हरा भरा होता है तो ये हमें जीवन देता है ना, लेकिन जब ये हरा भरा नहीं रहता है तब आपको पता है ये हमें जीवन देता है, हमारी जिंदगी इसे इसी पर मुयस्सर है। लेकिन जब ये सूख जाता है यानी जब एक किस्म का मर जाता है बेचारा, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत से फायदे देता है, ये तो एक पेड़ की बात है। तो हम एक इंसान हैं, हम इंसानों को भी ध्यान रखना है, हमें भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समझाए मेरे, वही कहता है बाकी ओगली उठ सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, और अंगूठा दबाओ।